चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, जहाँ पे हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो ये बेसिक स्टैटिक्स में आपका जब सिलेबस पढ़े होंगे तो वहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये सब पढ़ना था। तो इसका यूज करके ना हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने में बहुत मदद करता है, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपको करवा दिया जाएगा। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप पढ़े होंगे तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे आप जब ट्वेल्थ ट्वेल्थ में, थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग किस तरह से पढ़ते थे, एन सी आर, ये आर के जगह एक्स भी यूज कर सकते, तो चलिए यहाँ पे एक्स ही यूज करते, एन सी एक्स। और p के पावर कितना, x होता है, q के पावर क्या होता है, n माइनस एक्स होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने में इसका यूज करते हैं हम लोग, किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो चलिए इसी को हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो पहले प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाया गया होगा, ठीक है, ये अभी बेसिक स्टैटिक्स चल रहा है। तो इसके पहले आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाया गया होगा, तो वहाँ आपको बताया गया होगा कि प्रोबेबिलिटी में हमको क्या चाहिए होता है, पी, जिसको हम लोग सक्सेस बोलते हैं, और क्यू को क्या बोलते हैं, फेल्यूअर बोलते हैं। सक्सेस को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1-q, या q निकालने के लिए क्या करते हैं, 1-p, यानी p सक्सेस होता है, q फेल्यूअर होता है, और दोनों को जोड़ के कितना के बराबर होता है, यानी 1, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1। तो ये सब चीज आपको प्रोबेबिलिटी का जब चैप्टर पढ़ाया जा रहा था तो उस टाइम पढ़ा दिया गया होगा। आज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने में क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा पहले कि कुछ पॉइंट यहाँ पे फिर भी लिख दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब कौन कौन सा पार्ट, क्योंकि पीछे पढ़े चैप्टर थोड़ा सा टाइम हो गया होगा, तो इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं कि अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज ट्रायल, बर्नौलीज का मतलब बर्नौलीज को मॉडिफाइड करके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया है। तो बर्नौलीज ट्रायल, उसमें क्या बताया गया कि ओनली टू आउटकम्स आर पॉसिबल, मतलब दो ही आउटकम्स पॉसिबल होता है, या तो सक्सेस या तो फेल्यूअर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, फेल्यूअर और प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। जैसे 1-p इजकल टू हम लोग क्यू लिख देते हैं, ठीक है, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही होता है। तो होने की संभावना पी है, नहीं होने की संभावना कितना है, क्यू है। तो इजकल टू दोनों का संभावना, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी हमको 1 होता है, तो पी इजकल टू 1-q। इसी तरह से रिमेन सेम फॉर ट्रायल टू ट्रायल, ऐसी बार बार जितना ट्रायल कीजिएगा इसी प्रकार से सक्सेस को पी, फेलुअर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ये किसके लिए सेटिस्फाइड करता है, दीज अजम्पशन आर सेटिस्फाइड इन फ्लोइंग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, डाइस प्रॉब्लम के लिए, कॉइन टॉस प्रॉब्लम के लिए, सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट फाइनाइट पॉपुलेशन और विथ और विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी आपको सबसे पहले हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स सक्सेस है, एन क्या है, ट्रायल, कितना बार आप ट्रायल, एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है, एन किसको हम लिखेंगे कि कितना बार ट्राई किया गया है, और एक्स का वैल्यू क्या है, जो सक्सेस होगा यहाँ पे, ठीक है, वो क्या होगा, सक्सेस होगा। तो इसी को ये एन और एक्स का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो एन सी एक्स, एन सी एक्स जो होता है उसका पहले मतलब जानिए, क्योंकि यहाँ तो पी तो प्रोबेबिलिटी है, और क्यू क्या है, फेल्यूअर वाला 1-p यानी क्यू, तो इसका मतलब क्या है, फेल्यूअर वाला प्रोबेबिलिटी है, दोनों के पावर, यानी आपको जो टर्म समझना किसका समझना है, एन सी एक्स का समझना। तो इसका वैल्यू कुछ भी होता है, इसको एग्जाम्पल लेके बताएं, यहाँ पे मान लीजिए 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3c2, यानी n का वैल्यू 3 था, x का वैल्यू 2 था, तो इसको हम किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं, तो 3 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल और 3-2 का फैक्टोरियल, मतलब इसको हम इस तरह से लिखते हैं, n का फैक्टोरियल बटा x का फैक्टोरियल और n-x का फैक्टोरियल। समझ गए फैक्टोरियल को कैसे मतलब निकालते वैल्यू, वो भी अभी सिखा देंगे। तो यहां तक समझ में आया कि 3 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल, ये को नीचे में क्या, 3-2 का फैक्टोरियल, इसको इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम अगर एग्जांपल में लिखे, मतलब इसके n और x के टर्म में लिखे, तो n का फैक्टोरियल बटा x का फैक्टोरियल, n-x का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को कैसे निकालते हैं, तो जैसे 3 फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल मतलब होता है ना कि गुना करते जाइए 1 तक, 3×2×1, ठीक है, इस तरह से 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2×1, और 3 में से 2 गया उसका वैल्यू 1, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो 2 से 2 कट गया इसका वैल्यू आ गया 3। चलिए एक फैक्टोरियल पे आओ, आपको थोड़ा सा छोटा सा सॉल्यूशन करवाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिएगा 6c और मान लीजिए 3 है, इसका बताइए, तो 6 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल और 6-3 का फैक्टोरियल। तो 6 का फैक्टोरियल मतलब 6×5×4×3×2×1 ऐसे कर देते हैं, और 3 का फैक्टोरियल 3×2×1, और 6 में से 3 गया 3, मतलब 3×2×1, मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब 1 तक जाते हैं हम लोग। फैक्टोरियल निकालने का मतलब उसको गुना
करते करते कहाँ पहुंच जाइए, एक तक। तो तीन से तीन कट गया, दो से दो कट गया, यहाँ पे तीन दूना छः कट गया, ठीक है, दो दूनी चार कट गया, तो कितना आ गया, पांचों का बीस, आंसर आ गया बीस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फैक्टोरियल को भी निकालते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन एनी ट्रायल, जो सक्सेस करता है उसको हम लोग पी बोलते हैं, फेलियर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेके बनाते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फोर हेड इन सिक्स टॉस ऑफ द ऑफ ए फेयर क्वाइन। एक फेयर क्वाइन, फेयर क्वाइन कहने का मतलब क्या होता है, जिसमें एक हेड हो एक टेल हो, तो सिक्स बार टॉस किया जाता है, तो चार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताएं। ठीक है, चार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताएं। तो इसको हम लोग बाइनोमियल, यहां पे लिखा रहेगा एग्जाम में कि यूज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यूज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ ट्रायल कितना है, कितना बार ट्रायल किया गया, सिक्स टॉस किया गया है, सिक्स बार टॉस। पॉसिबल आउटकम्स कितना है, कितना बार पॉसिबल है, मतलब हेड आने की कितना प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, तो चार। ठीक है, मतलब कितना बार आना चाहिए, चार बार। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बताइए, मतलब प्रोबेबिलिटी हेड पूछ रहा है, तो हेड आने की कितना प्रोबेबिलिटी, अगर एक बार हम कॉइन को टॉस करवाते हैं तो हेड और क्या होता है, टेल होता है, जिसमें हमको हेड, हेड का वैल्यू कितना, वन, और टोटल वैल्यू कितना, टू, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है, वन बटा टू। अच्छा, जो हेड नहीं आने का, हेड आने का मतलब सक्सेस, हेड नहीं आने का मतलब फेलियर, तो टेल कितना है, वन है, और टोटल कितना है, वन बटा टू, तो उसका भी वैल्यू कितना है, वन बटा टू। या सीधे सीधे क्या कर सकते हैं कि अगर पी का वैल्यू पता हो गया तो क्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर पी का वैल्यू पता है तो क्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, वन माइनस पी। ठीक है, वन माइनस पी, तो क्यू का वैल्यू वन माइनस वन बटा टू, तो ये कितना हो गया, टू माइनस वन बटा टू, यानी वन बटा टू। ठीक है, तब पी का वैल्यू हो गया, क्यू का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हम फॉर्मूला यूज करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो एन सी एक्स, पी के पावर एक्स, वन माइनस पी एन माइनस एक्स। अच्छा, वन माइनस पी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्यू बोलते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू दर दिए एन सी एक्स, पी के पावर एक्स, क्यू के पावर एन माइनस एक्स। एन का वैल्यू कितना, सिक्स, सी फोर का, एक्स का वैल्यू कितना, फोर, पी का वैल्यू कितना, वन बटा टू, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वन बटा टू था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर वन बटा टू था, और एक्स का वैल्यू कितना था, कितना बार सक्सेसियन था, फोर बार था, और ट्रायल कितना था, एन का वैल्यू कितना, छः बार, तो छः माइनस चार, तो ये हो गया। इसको हम फैक्टोरियल के दोनों तरह से लिख सकते हैं, छः का फैक्टोरियल मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी फैक्टोरियल ही पढ़ा जाता है। तो छः का फैक्टोरियल बटा चार का फैक्टोरियल, और छः माइनस चार, यानी डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए दो का फैक्टोरियल, वन बटा टू का पावर फोर, वन बटा सिक्सटीन, और छः के छः में से चार गया तो दो बचा, यानी वन बटा टू के पावर टू। अब इसका सोल्यूशन कीजिएगा, सोल्यूशन करने के लिए ये बताएं कि छः का फैक्टोरियल मतलब छः गुने पांच गुने चार फैक्टोरियल, ऐसा भी कर सकते हैं, नीचे चार फैक्टोरियल है तो चार फैक्टोरियल से चार फैक्टोरियल कट जाएगा, टू का फैक्टोरियल टू गुने वन, यानी द्वितीया छः, यानी तीन पचे पंद्रह, ये हो गया पंद्रह, अब वन बटा सोलह, दो दूनी चार, सोलह चौ चौसठ, यानी पंद्रह बटा चौसठ। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके हम लोग क्या निकाले, प्रोबेबिलिटी निकाले। ठीक है, चलिए दूसरा टॉपिक पे आते हैं। इफ ऑन एन एवरेज वन सिप इन एवरी टेन इज ब्रेक्ड, एक दस सीप है जिसमें क्या होता है ना कि एक सीप क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, यानी इसके पास बचा नौ सीप। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ फाइव सीप एक्सपेक्टेड, बोला जाता है कि नौ सीप में चलने का, जो खुलने का, अराइव करने का है वो कितना है, फाइव सीप है, एक्सपेक्ट किया गया है कि कम से कम पांच सीप क्या करेगा, आएगा। ठीक है, लेकिन कम से कम ये बोल रहा है कि कम से कम चार तो आना ही चाहिए, पांच एक्सपेक्ट किया गया, जैसे हम लोग एग्जाम में कहते हैं ना कि मेरा 50 नंबर तो आना चाहिए, लेकिन कितना आ जाता है देखते हैं। ठीक है, तो 50 आने का है, हो सके मतलब ऐसे बोलते हैं कि 50 आना चाहिए, लेकिन कम से कम हमको 45 से कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, हम ऐसा करते हैं ना, ये जूम करते हैं कि इतना बढ़िया लिखे हैं कि कम से कम 50 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन 50 नहीं, तैयो कम से कम 45 आ जाए। ठीक है, तो ही बोल रहा है कि एक्सपेक्ट कितना था, फाइव सिप का था, लेकिन कम से कम कितना आ जाए, चार, एटलीस्ट चार आ जाए। ठीक है, तो चलिए इसको बनाइए। तो आउट ऑफ 10 सिप 1 सिप इज ब्रेक्ड, सो टोटल 9 सिप इज सेफ, 10 सिप में एगो ब्रेक्ड कर गया, कितना बचा 9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेफली कितना हो गया, मतलब सेफ्टी का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, टोटल 9 सिप हुआ था बटा 10, और अनसेफ कितना था, एगो था ना, 10 गो में कितना खराब था, एक खराब था, तो 1 बटा 10 हो गया। तो सिंपल भी निकाल सकते हैं, नहीं तो सेफली का पता गया हो गया कि सेफ का ही गो है, नो गो कितना में, दस गो में, तो नो बटा दस इसका पी हो गया, पी का वैल्यू कितना हो गया, नाइन बटा टेन, तो इसको वन माइनस नाइन बटा टेन घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, वन बटा टेन।
प्रोबेबिलिटी ऑफ सेफली का वैल्यू आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसेफ का वैल्यू आ गया, ठीक है। तब बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी किसका निकालना, मतलब किसका निकालना था, एटलीस्ट फोर का, लेकिन एक्सपेक्ट जो किया गया था कितना का किया गया था, फाइव का। तो यानी फोर और फाइव और मीन्स क्या होता है, एडिशन। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, और मीन्स एडिशन, ठीक है। तब पी फोर और पी फाइव का निकालना है, पी फोर और पी फाइव कहने का मतलब कितना हो गया कि टोटल कितना, मतलब एक्सपेक्ट कितना किया गया था, फाइव। तो यानी नंबर ऑफ जो यहाँ पे ट्रायल हो गया कितना हो गया, फाइव, यानी एन का वैल्यू फाइव हो गया। अब कितना लाना है, फोर ना, एगो में कितना लाना है, फोर वाला में कितना लाना है, फोर लाना है। अब फाइव वाला में मतलब जैसे हम पांच बार मान लीजिए कोई चीज उछलाए तो हम समझेंगे कि पांच में पांचों आ जाए, ठीक है, या पांच में चार आ जाए। तो टोटल ट्रायल एक बार कितना हो गया, एक्स का वैल्यू फोर, और जब हम फाइव का एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो एक्स का भाई फाइव। तो एन सी एक्स पी के पावर एक्स क्यू के पावर एन माइनस एक्स, एन सी एक्स पी के पावर एक्स क्यू के पावर एन माइनस एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर वाला में टोटल वैल्यू तो फाइव था लेकिन एक्सपेक्ट जो एटलीस्ट कितना था, फोर। तो यानी एक्स का वैल्यू फोर हो गया, और पी का वैल्यू नाइन बाई टेन, क्यू का वैल्यू वन बाई टेन, एक्स का वैल्यू फोर, एन माइनस एक्स यानी पांच में से चार गया एक वैल्यू, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, पांच वाला में जितना एक्स जितना ट्रायल किया गया उतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फाइव सी फाइव, नाइन के पावर टेन के पावर फाइव, अब पांच में से पांच गया जीरो, ठीक है। तो किसी के पावर जीरो का वैल्यू कितना हो जाता है, वन। यानी इसको निकालेंगे फाइव फैक्टोरियल बटा फोर का फैक्टोरियल, फाइव माइनस फोर का फैक्टोरियल, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइव फैक्टोरियल बटा फोर फैक्टोरियल, और पांच में से चार गया एक का फैक्टोरियल। पांच को हम कैसे लिख सकते हैं, पांच गुने चार का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और नीचे चार का फैक्टोरियल कट गया तो कितना बचा, पांच, ठीक है। तो यहाँ तो वैल्यू बचा पांच, तो पांच गुने यहाँ मिटर के यहाँ पे इरेज करके यहाँ पे बता रहे, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा नौ बटा दस के पावर कितना है, फोर। इसको गुना कीजिएगा दोनों में, देखिए यहाँ नौ गुने दस के पावर कितना है, फाइव है, ठीक है, दोनों में है। और ये जो कितना है, इसका वैल्यू कितना आया था, फाइव, इसको पांच पांच फैक्टोरियल बटा पांच फैक्टोरियल, और पांच में से पांच गया जीरो फैक्टोरियल, यानी पांच से पांच कट गया, इसका वैल्यू कितना हो गया, वन हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू इसका वन हो गया, यानी अब इसको मतलब जोड़ घटाव कीजिएगा, सेवन बटा फाइव, नौ गुने दस के पावर फोर, इसमें फोर है इसमें फोर है, इसका क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बच गया, वन बटा टेन, यहाँ पे फाइव सी फाइव का वैल्यू फाइव आया था, यानी फाइव इंटू वन बाई टेन, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, टू। इधर कितना है, इसका एगो कॉमन लेंगे तो नौ बटा टेन, तो ये कितना हो गया, बीस, देख लीजिएगा करके, ठीक है। इधर हो जाएगा कितना, दो पचे दस, ये हो गया नौ पाँच चौदह बटा बीस, चौदह बटा बीस, दो सत्य चौदह, दो दें के बीस, यानी सात बटा क्या हो गया, सात बटा नहीं, देख लीजिएगा जोड़ घटाव करके देख लीजिएगा यहाँ पे बनाया हुआ, ठीक है। चलिए नहीं तो कर देते हैं, नहीं तो आप सोचिएगा कि कहीं आंसर मतलब मैच ना करे आपका, तो फिर लगेगा कि आंसर गलत था। तो एक बार इसको हम सोल्यूशन करके मैच करवा देते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए। यहाँ पे क्या करना है, इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू तो फाइव आ गया, तब फाइव गुने कितना, नौ गुने दस के पावर कितना, फोर, आई कितना है, वन बाई टेन है, प्लस इसका वैल्यू तो वन हो गया, यानी नाइन के पावर टेन के पावर कितना, फाइव, ठीक है। चलिए दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो गया, नौ के पावर टेन के पावर फोर को कॉमन ले लेते हैं। इधर कितना बचा, पांच गुने वन बटा दस, इधर कितना बचा, नाइन बटा टेन, ठीक है। तो पांच बटा दस का वैल्यू कितना हो गया, वन बटा टू, तो वन बटा टू ये इधर टेन आई प्लस कितना हो गया, नाइन, नौ दुनिया अठारह, यानी कितना हो गया ये अट्ठाईस, अट्ठाईस बटा कितना हो गया, बीस। तो सात चौका चार से भागा, चार सात अट्ठाईस, चार पचे बीस, सात बटा पांच, ऐसे, ठीक है, उस टाइम कुछ छूट गया होगा। तो ये कितना आ गया, सात बटा पांच, यानी सात बटा पांच गुने नौ, नौ बटा दस के पावर फोर, ठीक है, यही आंसर हो गया आपका, कोई दिक्कत। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ ए फेलियर इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन इज 20। If six candidate appear in the examination, what is the probability that at least five pass the examination? मतलब किसी हॉल में छह स्टूडेंट क्या हुए, अपीयर हुए हैं, छह स्टूडेंट एग्जाम में बैठे हैं, तो उसमें 20% जो मतलब फेलियर होने का चांस कितना है, 20% है, ठीक है, 20% है, मतलब फेलियर का चांस कितना है, 20% है। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो कि कम से कम पांच स्टूडेंट क्या हो जाए, पास हो जाए, यानी एटलीस्ट बोला है ना, एटलीस्ट पांच स्टूडेंट
मतलब पास हो जाए तो एटलीस्ट 5 हो जाए, लेकिन ज्यादा एटलीस्ट मतलब कम से कम, आ ज्यादा से ज्यादा कितना था, 6 गो स्टूडेंट है तो ये तो 5 हो जाए या तो कितना हो जाए 6, यानी 5 और 6 का क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे, तो फेल्यूअर परसेंटेज कितना था 20%, यानी 20/100, तो 20/5 कितना हो गया 100, यानी 1/5 कितना हो गया 5, यानी किसका प्रोबेबिलिटी है फेल्यूअर का, फेल्यूअर मतलब क्यू, क्यू का वैल्यू कितना 1/5, ठीक है। तो पास होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, सक्सेस का कितना होगा, तो सक्सेस निकालने के लिए क्या करते हैं 1 - Q, यानी 1 - 1/5, तो इसका क्या हो गया 4/5, यानी सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 4/5 है, ठीक है। तो किसका प्रोबेबिलिटी पूछना है कि एटलीस्ट 5 स्टूडेंट पास हो जाए, तो एटलीस्ट मतलब या तो 5 हो जाए या तो एटलीस्ट मतलब कम से कम 5, ऐसे बोलेंगे ना कि कम से कम 5 रुपया दे दो, तुम्हारे पास 6 रुपया, तो बोलेंगे 5, तुम्हारा मन होगा तो 6 का 6 भी दे देगा, ठीक है। तो यानी 5 और 6, यानी और में से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में क्या होता है एडिशन, यानी 5 P5 और P6 का वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कितना है 6 है, टोटल स्टूडेंट कितना है 6 है, अच्छा 5 का प्रोबेबिलिटी के लिए x का वैल्यू कितना 5 है, और 6 के प्रोबेबिलिटी के लिए कि x का वैल्यू कितना 6, यानी यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया कि एक बार हो जाएगा 6C5 हो जाएगा और 6C6 हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी p का वैल्यू 4/5 था, q का वैल्यू 1/5 था, x के वैल्यू 5 हो गया तो 6 में से 5 गया 1, ठीक है, और 6 में से 6 गया 0। अब आपको निकालने फैक्टोरियल निकालना सिखा ही दिए, 6 का फैक्टोरियल बटा 5 का फैक्टोरियल, 6 - 5 का फैक्टोरियल, इधर क्या हो गया 6 फैक्टोरियल 6 - 6 का फैक्टोरियल, 4/5 का पावर 5, 1/5 का पावर कितना 1, क्योंकि 6 - 5 कितना हो गया 1, ठीक है। आई होप किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए एक सेकेंड इसको थोड़ा, तो यहाँ पे क्या हो गया 6 - 6 का वैल्यू 0, यानी यहाँ पे वैल्यू 1 हो गया, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 6, क्योंकि आपको निकालने फैक्टोरियल निकालना सिखा दिए ना, 5 का फैक्टोरियल 6 में से 5 गया 1 का फैक्टोरियल, 6 को हम लिख सकते हैं 6 × 5 का फैक्टोरियल बटा 5 का फैक्टोरियल, कट गया आया 6 का वैल्यू, 4/5 के पावर कितना ऊपर 5 है, नीचे 1/5 एक और है ना, तब 5 के पावर 6 कर सकते हैं, ऐसे कीजिए, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4/5 के पावर 6 है, तो 4/5 के पावर 6 है, इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा 0.65536 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आंसर था, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 10% ऑफ स्क्रू प्रोड्यूस्ड इन ए फैक्ट्री सर्टेन फैक्ट्री टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, वहां पे क्या होता है ना कि मतलब डिफेक्टिव होने के बाद 10% ही वहां से क्या निकल रहा है, गुड क्वालिटी का निकल रहा है, यानी पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/100, यानी कितना हो गया 1/10, यानी पी का वैल्यू कितना हो गया 1/10 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड स्क्रू कितना हो गया 1/10 हो गया। तो बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए सैंपल 10 स्क्रू चूजन एट ए रैंडम, हम लोग क्या करते हैं कि उससे जो जहाँ पे स्क्रू बना हुआ है वहां से हम रैंडमली मतलब कोई भी 10 स्क्रू को उठाते हैं, जिसमें दो एग्जैक्टली दो स्क्रू क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव होना चाहिए, उसी का प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है। यूज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए सैंपल 10 स्क्रू चूजन, 10 स्क्रू को चूज कीजिए जिसमें दो को क्या होना चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड स्क्रू कितना हो गया 1/10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बेस्ट स्क्रू कितना हो जाएगा 9/10, ठीक है, 1 - 1/10, जिसको हम लोग क्यू के नाम से डिनोट करेंगे। अब कितना ट्रायल बोला था, कितना लेने बोला था, तो 10 ट्रायल बोला था, यानी एन का वैल्यू 10 हो गया, और डिफेक्टिव आइटम कितना होना चाहिए उसमें एग्जैक्टली 2, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो फार्मूला यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर देंगे, NCXPX Q^(n-x), यानी 10 n का वैल्यू 10, X का वैल्यू 2, 1/2 के पावर 2, और 10 में से 2 गया कितना बचा 8, 9 के पावर 10 का वैल्यू 8, इसका प्रोबेबिलिटी हो गया यही, कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन एज 60 विल बी लाइव टू बी 70 इज 0.65, मतलब उस व्यक्ति जो अभी 60 साल का है 70 साल उम्र तक जीने की उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 0.65 है, ठीक है। कोई आदमी अभी 60 साल का है तो उसको 70 साल जीने तक का प्रोबेबिलिटी मतलब 70 साल तक जी सकता है उसका कितना प्रोबेबिलिटी है 0.65 ही है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट और 10 मेन, अगर 10 आदमी का हम प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब वो अभी 60 साल का है वो
मतलब एटलीस्ट 7 विल बी लाइव टू 70, मतलब बोल रहा है ना कि 10 आदमी को हम उठाते तो उसमें सात, कम से कम 7 आदमी है ना जो 70 साल तक जी सकता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी बताइए 10 आदमी में कम से कम, मतलब कम से कम 7, कम से कम मतलब क्या होता है कि 7 कम से कम यानी 7 तक तो जिएगा ही जिएगा, हो सके 8 भी जी जाए, हो सके 9 भी जी जाए, उसके बाद 10 भी जी जाए, ठीक है, मतलब 10 में 10 भी हो जाए, 10 में 9 भी हो जाए, 10 में 8 भी जी सकता है 70 साल तक, 10 में 7 तक तो कम से कम ये होना ही चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता, यानी किसका किसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, 7 का भी 8 का भी, ये भी तो जी सकता है एटलीस्ट, मतलब कम से कम, उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए, तो 8 का भी 9 का भी और किसका 10 का भी, सभी का निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो p का वैल्यू 0.65 था, q का वैल्यू 1 में से उतना घटा देंगे 0.35, टोटल कितना आदमी को लिया गया था 10 आदमी में, जिसका कम से कम कितना होना चाहिए 7 आदमी, तो 7 का भी 8 और 9 और 10 यानी सब का, और मिस क्या होता है एडिशन, तो P7 का वैल्यू, P8 का वैल्यू, P9, P10, ठीक है, यानी 10C 0.65 का पावर 7 और 10 में 7 गया 3, उसे 10 8 के लिए क्या हो जाएगा 0.65 का पावर 8 और 10 में से 8 गया कितना 2, 10C9 0.65 के पावर 9 और 10 में से 9 गया 1, 10C10 0.65 के पावर 10 है 0.3 पावर की वैल्यू क्या 0, तो इसका प्रोबेबिलिटी सबको कैलकुलेशन कर लीजिएगा 0.1537 आ जाएगा, कोई दिक्कत है, चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इस एक और क्वेश्चन चलते हैं, इफ 10% ऑफ बॉल प्रोड्यूस बाई ए मशीन आर डिफेक्टिव, अगर किसी मशीन से क्या बनाया जा रहा है बोल्ट्स बनाया जा रहा है जिसमें 10% क्या है डिफेक्टिव है, तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 बोल्ट्स चूजन एट ए रैंडम, हम 10 बोल्ट उठाते हैं, 10 बोल्ट उठाते हैं जिसमें 3 क्वेश्चन दिया है कि एक का प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक वो डिफेक्टिव हो, दूसरा में कोई 10 उठाए 10ों का 10 बढ़िया हो, और तीसरा में एटमोस्ट 2 बोल्ट हो, एटमोस्ट मतलब समझते हैं एक एटलिस्ट था, एक एटलिस्ट था, एक क्या है एटमोस्ट है, ठीक है, एटलिस्ट मतलब कम से कम इतना ही होना चाहिए, और एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 ही होना चाहिए, मतलब कम से 0, 1, 2 इतना ही, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो 2 एटमोस्ट 2 कहने का मतलब 0, 1, 2 का प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो यही 10 वोल्ट में कितना कम मतलब एटमोस्ट 2 यानी 0, 1, 2 का निकालना है, तो चलिए बारी बारी से निकालते, 10% क्या था डिफेक्टिव था यानी 10% यानी 0.1, तो जो सेफ नो टोटल नंबर ऑफ सेफ वोल्ट कितना हो गया अनसेफ हो जाए, डिफेक्टिव इतना था तो सेफ कितना हो जाएगा, क्यू का वैल्यू 90% यानी 0.1 यानी हो गया 0.9, समझ रहे हैं ना, पी और क्यू निकाल रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना है, एन का वैल्यू 10 है, तो 1 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 10 है, और x का वैल्यू कितना हो गया 1, यानी आपको क्या लगाना है 10C1, और p का पावर कितना, p के पावर क्या होता है x होता है, x का मतलब यहाँ पे 1 है, अब q का पावर कितना होता है n-x है, और q का पावर वैल्यू कितना है 0.9, और इसका वैल्यू कितना है n माइनस कितना x यानी 10 माइनस क्या 1, तो यह हो गया 9, यानी 10C1 0.1 के पावर 1 और 0.9 के पावर कितना 9, ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया आपका 0.3874, उसी तरह से 0 किसका बोला था नन मतलब कोई भी नहीं यानी 0 का प्रोबेबिलिटी, तो मतलब एक भी खराब नहीं होना चाहिए, तो 10C0 0.1 के पावर 0 0.9 के पावर 10 माइनस 0 का मतलब 10, उसका प्रोबेबिलिटी इतना आ गया, अब बोल रहा था इसका भी रहने दे, इसका वैल्यू निकाल लिए ना ताकि पुट करने में आसान हो, तो इसको बाद में भी निकाल सकते हैं या पहले भी निकाल दिए, एटमोस्ट 2 वोल्ट विल बी डिफेक्टिव यानी किसका किसका 0, 1 और 2, इसका मतलब क्या होता है एडिशन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकाले ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकाले ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 को यहाँ निकाल लीजिए या पहले ही निकाल के रख लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कहने का मतलब 10C2 0.1 के पावर 2 0.9 के पावर 10 माइनस 2 मतलब 8, ठीक है, इसका वैल्यू तीनों का वैल्यू रख दीजिए जोड़ दीजिए, ठीक है, चलिए एक आपको बोलेगा मीन निकालने के लिए वेरिएंस निकालने के लिए, मीन अभी पढ़ा रहे थे ना इसमें इसके पहले वाले टॉपिक में, और वेरिएंस भी सीखे थे, तो 4 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से मीन का वैल्यू बताएं वेरिएंस का वैल्यू बताएं, तो मीन का वैल्यू होता है n इंटू p यानी नंबर ऑफ ट्रायल इंटू क्या प्रोबेबिलिटी
किसका, सेफ का, सक्सेस का। अब वेरिएंस में क्या होता है, एन इंटू पी इंटू क्यू होता है, यानी वन माइनस पी को लिख सकते क्यू, तो एन इंटू पी इंटू क्यू होता है। ठीक है, बस बहुत आसान क्वेश्चन है। हैंडेड डाइस है, डाइस मतलब जो आप लीडो गोटी खेलते हैं ना उसमें जो डाइस होता है, तो हैंडेड डाइस आर थ्रो, हाउ मेनी आर एक्सपेक्टेड टू फुल सिक्स, मतलब छः आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो उसमें छः पार्ट रहता है, एगो वन, एक पर वन डॉट रहता है, एगो पर टू डॉट, छः फेस होता है जिसमें एक का दो तीन चार पाँच छः इस तरह से रहता है। तो वही छः आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल कितना फेस, छः फेस, जिसमें छः कितना बार आ सकता है, एक बार, यानी पी का वैल्यू कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ छः आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, वन बटा सिक्स है, समझे। तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, वन माइनस छः यानी पाँच बटा छः हो गया। तो गिवन नंबर ऑफ ट्रायल कितना है, एन, हंड्रेड वाट डाइस, हंड्रेड वाट डाइस को क्या किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है। ठीक है, तो मीन क्या होता है, मीन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इनटू एक्स से। ठीक है, तो एन पी, एन का वैल्यू कितना, हंड्रेड, पी का वैल्यू कितना, वन बटा सिक्स, तो ये हो गया आपका किसका, मीन हो गया। ठीक है, वेरियंस किससे निकालते हैं, वेरियंस का मतलब सिग्मा स्क्वायर, जिसको म्यू टू के नाम से भी जानते हैं, तो एन पी क्यू होता है, हंड्रेड गुने वन बटा सिक्स, और क्यू का वैल्यू वन माइनस वन बटा सिक्स, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया आपका वेरियंस। और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, अंडर रूट वेरियंस, अंडर रूट वेरियंस को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन, तो कितना हो जाएगा, 13.889 का अंडर रूट कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3.72। तो आई होप बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग चलेंगे क्या, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है,